हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉस। बांग्लादेश वर्सेज ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ T20 मैच खेला जाएगा आपको। तो वेन्यू भी सेम है, सब कुछ सेम है, प्लेइंग 11 भी सेम रहने वाला है, बस चेंजेस क्या होंगे बताने वाला हूँ सब कुछ टुडे। जेट डिटेल्स यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर होने वाला है आपका। तो बात करते हैं बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया। बांग्लादेश ने सीरीज ऑलरेडी जीत लिया है, और ऑस्ट्रेलिया बात करें, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही स्ट्रगल कर रही है अपने बैटिंग ऑर्डर के स्पिनर के खिलाफ। और जैसा कि आपने देखना, पहला मैच जो कि 131 चेस नहीं कर पाए, दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने 121 बनाया, और तीसरा 127 नहीं चेस कर पाए ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों बात करने वाले हैं सब कुछ, तो काम चेक करना टेलीग्राम पे, जो आओ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया भाई मेरे, एक बार ज्वाइन हो जाना, और व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। 7 अगस्त को खेला जाएगा, सैटरडे को मैच खेला जाएगा, 5:30 PM इंडियन टाइम। फैन कोर्ट पर स्ट्रीम करके लाइव देख सकते हो। शेरे बांग्ला स्टेडियम पर खेला जा रहा है, सेम वेन्यू है, थोड़ा मौसम क्लाउडली है तो बारिश की चांसेस बहुत ज़्यादा है। वही बात करते हैं पिच एनालिसिस। अभी तक 47 मैच हो चुके हैं और विनिंग रेशियो 50-50 का है। 40 मैच यहाँ पे फर्स्ट बैट और 24 मैच यहाँ पे फर्स्ट बैट, सेकंड बैट 23। लास्ट 3 मैच जैसा कि देख रहे हो डिफेंड करके आ रही है, और लास्ट 2 मैच लो स्कोरिंग मैच हुआ है, एक तो चेस होके आ रहा है और 2 डिफेंड होके आ रहा है इस पिच पे। स्कोरिंग पैटर्न पे सबसे ज़्यादा 125-25 मैचों में 150 के बिलो ही बने हैं, और इस पिच की देखें तो 140 का स्कोर मैंने पिछले मैच में बता दिया था, हर वीडियो में बताया हूँ, 140 का स्कोर इस पिच पे बहुत ही इनफ स्कोर हुआ है जैसा कि पिच अभी बनाया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए खासकर ये पिच बनाया गया है जैसा देखा जाए बांग्लादेश ने बनाया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया स्पिन को खेलने में बहुत ही दिक्कत होता है ऑस्ट्रेलिया को, पेस बॉलर पर बहुत अटैकिंग में खेलते हैं, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग में दिक्कत हो रहा है। एक मिचेल मार्श खेल रहे हैं, वही प्लेयर जैसे डेविड वार्नर या फिर आपको ग्लेन मैक्सवेल जैसे प्लेयर रहते तो इनके लिए मैच जीतना बहुत आसान रहता। बैट्समैन स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। टीम न्यूज़ बताते हैं बांग्लादेश की तरफ से सेम प्लेइंग 11 के साथ अभी तक उतरी है, लेकिन अब चेंज कर सकती है क्योंकि सीरीज उन्होंने ऑलरेडी जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, मैथ्यू हेड स्क्वाड को लीड कर रहे हैं। लास्ट मैच में 3 चेंज हुए थे, बेन मैकडॉरमेंट, डैनियल केसियर, नाथन एलिस को मौका मिला था। नाथन एलिस ने काफ़ी खासा अच्छा प्रदर्शन किया था, डैनियल केसियर वही बैटिंग ही उतना नहीं मिल पाया, बेन मैकडॉरमेंट पे यानी चेंजेस इनके अच्छे साबित हुए, लेकिन विकेट के देखे तो 4 विकेट पे 117 ही बना पाई, 127 का स्कोर था, चेस नहीं कर पाई। हेड टू हेड देखो तो 4 मैच में से 3 बांग्लादेश ने जीत लिए, ऑस्ट्रेलिया ने 4 जीते हैं, और जो 3 जीते हैं अभी के तीनों मैच हैं, कंटिन्यू मैच है, बाकी 4 अभी तक पहली बार ये सीरीज खेलने जा रही है T20 का खेल रही है जिसे बांग्लादेश जीती। वही बात करते हैं दोस्तों रिसेंट फॉर्म में देखो कि बांग्लादेश लास्ट अपना मैच खेली थी जिम्बाब्वे से, जो कि सीरीज जीती थी, और ये भी सीरीज जीत चुकी। ऑस्ट्रेलिया कंटिन्यू 2 सीरीज हार गई, जो कि वेस्ट इंडीज से लास्ट खेली थी। अगर विन परसेंट में देखोगे तो 50-50 का रेशियो है, दोनों टीमों का चांसेस है इस मैच में। प्लेइंग 11 देखो बांग्लादेश की तरफ से, बांग्लादेश नए प्लेयर को ला सकती है, जैसे कि अपने बैटिंग ऑर्डर को सुधार बैटिंग ऑर्डर के नए प्लेयर के कुछ चांसेस दे सकते हैं, जैसे कि मोहम्मद सैफुद्दीन बॉलर में, तस्कीन अहमद बॉलिंग ही है, और मोहम्मद मिथुन ये सब बॉलर को, रुबेल हुसैन इन सबको मौका मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया बात करें, ऑस्ट्रेलिया तो सीरीज हार चुकी है लेकिन 2 मैच बाकी है, तो अपना अपने लिए खेलेगी, अपने जहां बात करते हैं सीरीज में T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, और जैसा कि देख सकते हो T20 वर्ल्ड कप के लिए जहां बांग्लादेश क्वालिफाई भी नहीं की है, वही ऑस्ट्रेलिया के साथ जीत के इनका जो कि हौसला है बुलंद हो चुका है। वही बात करते हैं दोस्तों की प्लेयर्स। बांग्लादेश की तरफ से साकिब अल हसन, मोहम्मदुल्लाह, मेहदी हसन, मुस्तफिजुर रहमान, मोहम्मद नैम। ऑस्ट्रेलिया में देखो मिचेल मार्श, एलेक्स कैरी, मैथ्यू वेट, जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क प्लेइंग 11 खेल सकते हैं, जो कि प्लेइंग 11 के लिए आपको अच्छा पॉइंट देंगे। और पिछला मैच की बात करें तो पिछला मैच में आपको जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जॉस फिलिप नहीं खेले थे, और जो कि मिचेल मार्श भी नहीं खेले थे, तो मिचेल मार्श को देखना, नहीं खिलाएंगे तो हटा देना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, ज्वाइन कर लो। अब बात करते हैं टीम के लिए, अगर अच्छे से देखो तो स्पिन फ्रेंडली पिच है, और जहाँ तक स्पिन को ज़्यादा मदद मिल रहा है, बॉलर और ऑलराउंडर आपको ज़्यादा लेके चलना है, और एलेक्स कैरी जो कि विकेट कीपर सेक्शन में, मैथ्यू वेड है, लेकिन अभी तक मैथ्यू वेड कैप्टेंसी पारी नहीं खेलते हुए नजर आए, फ्लॉप ही दिखे जहाँ तक इस मैच में। और ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें ज़्यादा नहीं, मोहम्मदुल्लाह को लेना, मोहम्मदुल्लाह पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच भी था, 52 रन बनाया था,
नैम सेख और बेन मैकडोरमेंट, डैनियल क्रिश्चियन, मिचेल मार्श, साकिब अल हसन, तीन प्लेयर जो कि ऑलराउंडर के लिए अभी बेहतरीन है। डैनियल क्रिश्चियन पिछले मैच में मौका नहीं मिला इनको बैटिंग के लिए, क्योंकि फोर्थ डाउन पे आए थे, ज़्यादा 5-6 बॉल ही खेले थे। वही बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में, जॉस हेजलवुड, मुस्तफ़ी रहमान, एन अहमद और नाथन इलिस। बाकी आप ले जा सकते हो, अदर भी ऑप्शन है, मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, ज्वाइन हो जाना। कैप्टन किसको बनाया, तो देखो हर मैच में मेरी पसंद रहती है कैप्टन, अभी तक बांग्लादेश के जितने भी मैच हुए, साकिब अल हसन, वाइस कैप्टन मिचेल मार्श, दोनों अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। मिचेल मार्श पिछला मैच में हाफ सेंचुरी, इनका स्कोर था 45, 45 और 51, तो तीनों मैच में अच्छा परफॉर्म किए हैं मिचेल मार्श। साकिब अल हसन बॉलिंग से अच्छा परफॉर्म किए हैं, बैटिंग से भी अच्छा परफॉर्म किए हैं, तो जाना इन्हीं के साथ। बाकी ग्रांड लीग के लिए जो कि ऑप्शन है, ग्रांड लीग के लिए बॉलिंग में देख लेना, बॉलिंग में अच्छा आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।